क्या है इस देश का? कोर्ट संविधान से बंधा हुआ है, कोर्ट संरक्षक है संविधान का, कोर्ट कोई तानाशाह तो नहीं हो सकता, जज कोई तानाशाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप का बचाव करके। अब जैसे पिछले कार्यक्रम में ही आता कि सब वो कि गुरुजी का मन चंगा कटौती में गंगा, क्योंकि मन से विकार हैं सारी चीज़ों के, इस दुनिया में विकार है तो मन से हैं। व्यक्ति अच्छा है, दुनिया अच्छी है तो मन से है, बिना मन के नहीं है। मन अगर रहित किसी अच्छाई के है तो वो कितना ही अच्छे अपने ड्रेस पहन ले, कितना ही अच्छा वो पढ़ा लिखा हो, कितना ही अच्छा ऑफिसर बन जाए, कितना ही अच्छा धनशाली बाहुबली हो जाए, मैं समझता हूँ वो दुनिया में निरर्थक है, वो अर्थ युक्त नहीं है। ये ऐसा गुरुजी ने संदेश दिया। और ये हम कहते हैं कि हम 1985 में ज्ञानी जल जी से मिलने गए थे गुरुजी की जयंती पे, तो हम बार बार संबोधन कर रहे थे कि हमारे गुरुजी, तो उन्होंने एकदम टोकते हुए कहा कि नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, ये तो जगत गुरु हैं, इन्होंने तो गुरु ने तो जगत का कल्याण किया है, कोई हमारा ही आपका थोड़ी किया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि एक सुखमनी साहब का पाठ आता है कि सुन उपदेश, भारती जी ध्यान चाहूँगा, सुन उपदेश हृदय बचाओ, सुन उपदेश हृदय बचाओ। ये जबान और ये मन और कथनी करनी में हमें उठना है। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कोर्ट पे बोलता रहा हूँ, मैंने नेताओं से अपने आप को अलग रखा, ऐसा नहीं कि मेरे नेताओं से कोई संबंध है या संबंध बिल्कुल नहीं है। मैंने पूरी तरीके से, केसी रवि जी बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, 3-4 लोग कोर्ट पे बोल रहे हैं, बाकी नेताओं पे बोल रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। क्यों नहीं बोल रहे हैं कोर्ट पे? अपने बाबा साहब के परपोते हैं मिस्टर राज रतन, वो प्रखर रूप से बोल रहे हैं। केसी रवि जी ने बोला कि उन जजों की संपत्ति और उनके रिकॉर्ड की जांच कराई जाए, और ये डॉक्टर शिवचरण पीपल आपके सामने अपना सा खड़ा है, मुझे डर नहीं। जो आयोजक है उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं, जो कार्यक्रम को संभालने के कोर्ट पे भी वो बोले, क्यों नहीं बोलते हैं? कोर्ट क्या है इस देश का? कोर्ट संविधान से बंधा हुआ है, कोर्ट संरक्षक है संविधान का, कोर्ट कोई तानाशाह तो नहीं हो सकता, जज कोई तानाशाह तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप का बचाव करके। अब जैसे पिछले कार्यक्रम में ही आता कि सब वो अपने अपने इंटरव्यू कर रहे थे, कोई उसके बाद खिलाफ बोल रहा है, कोई उसके खिलाफ बोल रहा है, तो मैंने बोला आयोजक को, ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको मैंने बोला कि नहीं यार इनको बोलो, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पीपल जी आप बोल दो, छिपते रहने यार तुम बोल दो, मैं नहीं बोल सकता। ऐसी भावना के साथ हम किस आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते। हम कहते हैं गुरुजी ने कहा था 15 अगस्त को अंबेडकर भवन में कि शहादत के लिए तैयार होना हमें रहना पड़ेगा, शहादत के लिए तैयार है। जेल बहुत छोटी सी चीज है, सुप्रीम कोर्ट सुन ले, इस देश की सरकार सुन ले, इस देश के कर्णधार जो बनने वाले हैं वो सुन ले, इस देश में कि जेल जाने के लिए नहीं अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन भाषण, मीठा भाषण और मीठी वाणी वो कभी नहीं भूलेंगे। किसी दल से संबंधित हो सकता हूं, अपना दल बना के बैठा हो सकता हूं, लेकिन हमें देखना होगा भारती जी कि दल अपना अपनी जगह है, कि दल जो बनाया या कुछ बनाया वो अपनी जगह है, जान देने के लिए तैयार है, जान दे देंगे। जान से तो बड़ी कोई चीज, मोह क्या है इस संसार में सबसे बड़ा मोह? जान, प्राण है, उसके बाद बेटा है, संपत्ति है। तो पहला जो मोह है, बात खत्म कर रहा हूं, तेरे आने से, तूने कहा ना आने से पहले खत्म कर दियो, जैसे तू चला मैं बात खत्म कर रहा हूं। इस संसार के अंदर अगर मोह है तो वह जान है, और इस जान, इस प्राण का मोह खत्म करके आपके सामने गुरु जी के चरणों में मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकता, ना बोलूंगा, ना अपना बचाव करके भाषण दूंगा। खुली चुनौती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो गिरफ्तार करें, वो ऑर्डर करें, लेकिन उन्हें तानाशाह कोर्ट के जजों को नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यह संविधान इस देश का महान अगर संविधान अगर बनाए तो महानतम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया ये संविधान, और वो कह के गए हैं कि कोई भी इस देश में निरंकुश नहीं हो सकता, चाहे वह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे चीफ जस्टिस, कुछ भी हो, वो सब बंधे हुए हैं। और हम अपने मंदिर के लिए, हम वैसे कानून में बंधे हुए हैं, लेकिन मंदिर के लिए अगर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर कोई सरकार, कोई कोर्ट
अगर कोई रूल ऐसा बनाती है जो हमारे मंदिर में बाधक को, तो हम उसको वो रूल करेंगे। भारती ये तू जानता है हमें दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।